कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, यानी कि रिजल्ट ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, कंसिक्वेंसेस आर द इफेक्ट कॉज्ड बाय एन एक्शन, यानी कि तो हम जैसे एक्शन करेंगे या कार्य करेंगे उससे हमको क्या मिलेगा, वैसे ही परिणाम मिलेगा। मेनी ऑफ अवर एक्शंस डिसीजंस, है ना, एक्शन हो गया और फिर क्या हो गया हमारा डिसीजन, मतलब हमने जो सोच रखा है उसके बारे में, ठीक है। एंड चॉइसेस ऑफ एवरी डे, मतलब या तो मैं ये शर्ट पहनूं या फिर ये वाली शर्ट पहनूं, चॉइस है ना, ठीक है। एवरीडे लाइफ आर मेड विद एन आई टू द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि हमें पता होता है कि हमारे मतलब आँख का भी बोल रहा है कि हमको पता होता है कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। अगर मैं पिंक कलर का शर्ट पहन के जाऊंगा तो लड़कियां मेरे पे फिदा होंगी, थोड़ी बहुत पिंक पसंद है ना, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स बाय नेचर टेंड टू द कॉन्सिक्वेंसेज ओरिएंटेड, ठीक है ना। तो ह्यूमन बींग्स का नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है कि जैसा रिजल्ट आने वाला है वैसा वो व्यवहार करने को देखते हैं, वैसा एक्शन करने को देखते हैं। अगर मुझे मार्क्स ज़्यादा चाहिए एग्जाम में तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके जाऊँगा, और अगर मुझे क्लास में और अगर मुझे सिर्फ पास होना है तो मैं एक नॉर्मल पढ़ूंगा, उतना टेंशन नहीं लूंगा। लेकिन मुझे अगर टॉपर आना है, टॉपर, एक हो गया क्लास का टॉपर, एक हो गया स्कूल का टॉपर, और तीसरा कौन सा होता है टॉपर सर, स्टेटिस्टिक्स में सर बताइए, इंजीनियरिंग में कौन सा टॉपर होता है, अरे बताओ बताओ, यूनिवर्सिटी टॉपर है ना, यूनिवर्सिटी टॉपर होता है, ठीक है। अरे स्टेट स्टेट, ये इंजीनियरिंग में नहीं है ना सर, ये पढ़ाई वढ़ाई में कहाँ है स्टेट बोलते हैं, है कि नहीं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं सर, है ना। उसके बाद में फिर देश आता है डायरेक्ट, ये स्टेट स्टेट नहीं, देश आता है। देखो महाराष्ट्र में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, उसमें जो टॉपर आएगा फिर वो देश पे चल जाता है, स्टेट का नहीं रहता सर, ठीक है। फिर कहा गया, दैट मीन्स वी हैव अ टेंडेंसी टू सीक इंटेंडेड रिजल्ट, मतलब हमारी ये टेंडेंसी कैसे हो जाती है कि हम रिजल्ट के अनुसार ही कार्य करेंगे, रिजल्ट के अनुसार कार्य करेंगे। एंड द क्वालिटी ऑफ दिस रिजल्ट एंड कंसिक्वेंस डिपेंड ऑन हाउ मच गुडनेस दे कंटेन, ठीक है ना। तो उसका परिणाम जो उसकी क्वालिटी ऑफ परिणाम है, उस परिणाम की क्वालिटी, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करेगी कि कितना अच्छा हमने किया है, कितना अच्छा हमने किया है ना। अगर हमने अच्छे से किया ही नहीं होगा तो हमारे रिजल्ट कौन से अच्छे आएंगे, ठीक है। एंड एक्शन इज जस्ट टू बी गुड और बैड, उसका अगर न्याय करेंगे, कोई देखेगा कि हाँ इसका इसने कैसा काम किया है, तो वो कैसे होगा, अच्छा या बुरा पे होगा, किस बेसिस पे, कैसा उसका रिजल्ट आएगा उसी बेसिस पे बताएगा कि अच्छा है कि बुरा है। इफ अदर पीपल सफर इट इज रॉन्ग, अगर तुम्हारे कार्य कारण दूसरों पे इफेक्ट हुआ है, दूसरों को नुकसान हुआ है, वो उससे परेशान हुए हैं, तो वो क्या हो गया, कार्य गलत हो गया, अनैतिक हो गया, ठीक। If people benefit, अगर लोगों को क्या हो गया तुम्हारे कार्य से फायदा हुआ है, तो it is right, ये अच्छा कार्य है, ठीक है ना। Consequences then are important consideration in our analysis of ethical conduct, ठीक है ना। आपके नैतिक आचरण में जो भी आपने कार्य किया है उसको अगर हमको ऑब्जर्वेशन सही से करना है, एनालिसिस करना है, उसका मूल्यांकन करना है, तो उसमें रिजल्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है वो चीज़। The cases where the consequences of the action are attributable, attributable means तो एक तरह दूसरा मीनिंग है, लेकिन attributable का मतलब accountable, आप responsible है ना, accountable है? The cases where the consequences of an action are attributable है ना, जहाँ पर result क्या है आपको responsibility लेनी होगी, to the door, door मतलब हाँ जो किसने किया है, ठीक है ना। Who is held responsible, आ गया आगे ना, हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इफेक्ट, जो भी इफेक्ट हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ है वो। इन्वॉल्व द फॉलोइंग कंडीशन, क्या क्या कंडीशन रहती है इसमें। इफ द डोर होल्ड्स नोटिस इवन इफ वैगली, वैगली मीन्स अस्पष्ट रूप से, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, ठीक है ना। तो इफ द डोर होल्ड्स नोटिस वैगली और नो ahead what the consequences of the particular choice or action will be, समझ रहे, उसको स्पष्ट नहीं है कि मेरे कार्य से क्या परिणाम आएगा, मेरी चॉइस से क्या परिणाम आ सकता है, सही है। He she is presumed to have willed the effect, means willed the effect, he or she is presumed to will the effect, उसकी इच्छा है कि ऐसा इफेक्ट आना चाहिए, उसकी क्या इच्छा है, विल है ना, विल, विल मतलब इच्छा,
उसकी इच्छा है कि भाई ऐसा ऐसा इफेक्ट मेरे हिसाब से आना चाहिए, सही है? हाँ तो बोलो सर। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अ बैड इफेक्ट, अगर हम पूरे इफेक्ट की बात करें, यहाँ पे इफेक्ट की बात कर रहा था, पूरे इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इफ अ हंटर, हंटर मीन्स शिकारी, कौन सी पिक्चर है वो, गोविंदा की है ना, शिकारी फिल्म, पागल रहता है दोनों बहनों को मारता है शिकारी, हाँ शिकारी फिल्म में जाता है। इफ अ हंटर पागल रहता हो, इफ अ हंटर सीज एन ऑब्जेक्ट, इफ एन हंटर मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, जानवर, जानवर वो ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ जानवर ही बोल रहा, हंटर शिकारी किसका करेगा है ना, बट इज अनश्योर वेदर इट इज मैन और डियर, जंगल में गया निशाना लगा रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि आदमी है कि है ना हिरन है, ठीक है? तो द हंटर एंटिसिपेट्स वैगुली, वैगुली समझ गया ना, वैगुली का मतलब वो अस्पष्ट है, उसको समझ नहीं आ रहा है, अस्पष्ट है वो कि कैसा है ना, टू व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फायर और शॉट मे बी, तो वो क्या बोल रहा है कि एक तो उसको समझ में नहीं आ रहा वो आदमी है कि हिरन है, और अगर उसने फायर कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा या तो किलर, किलिंग ऑफ अ डियर, या तो हिरन मरेगा या फिर आदमी मरेगा, दो ही केस होंगे, परिणाम क्या है कोई, लेकिन परिणाम क्या है, मरना मरना तय है, मरना तय है, लेकिन वो हिरन भी हो सकता है और आदमी हो सकता है। इफ अ हंटर चूजेस टू शूट एनी हाउ, बोले यार देखा जाएगा मारो मार डालो आज, बोले हिरन नहीं मिला तो आदमी कच्चा खाऊ ठीक पका के, अब यही यही चल रहा है सर सीन, और क्या बोल रहा है मैं तभी मारूंगा, अरे भाई आदमी को मारेगा क्या तू, ठीक है? ही हैज विल द इफेक्ट, ठीक है ना, उसने क्या इच्छा कर ली कि अब जो होना है कंसिक्वेंसेस देखा जाएगा, ठीक है ना, वेदर द किलिंग ऑफ डियर और किलिंग ऑफ मैन, ठीक है, अस्पष्ट है और तो भी तैयार है वो मारने के लिए, लेकिन उससे दो उसने कॉन्सिक्वेंसेस बताया कि एक अगर आदमी मर गया तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और हिरन मर गया तो राइट हो जाएगा, सही है? अगली कंडीशन, इफ द एक्टर डज नॉट परफॉर्म द एक्ट, एक्टर एक्टिंग जो करने वाला है, जो एक्टिंग कर रहा है वो क्या करेगा, वो चीज को परफॉर्म, अब देखो इसका अच्छा एग्जाम्पल समझ लो, एक सीन है कोई मराठी पिक्चर का सीन है, उसमें वो हीरोइन वीरोइन का नाम नहीं मालूम, मैं सुन रहा था मराठी में, वो बोल रही थी कि हाँ ये होगी यार फेमस हीरोइन नाम याद नहीं आ रहा, इसने काम किया उसके साथ में ऋतिक रोशन के साथ, मराठी हीरोइन देखते हो क्या पिक्चर है, या उसमें उसकी माँ बनी थी, नहीं पता क्या, हाँ वो मराठी हीरोइन रहती है क्या, हाँ हाँ लग रहा है, तो बोलने का क्या था कि उसमें नहीं क्या, वो हीरोइन इस मराठी पिक्चर में कहीं बोल रही है कि सामने वाले एक्टर ने बोला कि है ना जूता है ना खींच के मारना गाल पे, और रियल में अभी यार मैं तो सुना था, मैं तो सुना था कि जो ऐसे मारने मरने वाले होते वो तो यार कोई तो दूसरा को एक्टर करता है या फिर कैमरे से करते हैं, और इसमें सही में मारना था चप्पल उठा के, तो वो क्या बोलता, अब पता नहीं लड़की मार रही थी कि वो मार रही थी, लेकिन हीरोइन याद है मुझे, उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो क्या बोले जब इंटरव्यू हो रहा था, बोले यार वो बोले यार मैं कैसे मारू यार इतने बड़े एक्टर को तो वो फिर एक्टर ने सामने वाले बोला कि कुछ नहीं है एक्टिंग है ऐसा है मार और बोले उसने क्या बोला एक ही बार मार देना, नहीं तो क्या होता है कि नहीं क्या तुमने हल्के से मारा तो फिर दर टेक वन टेक टू टेक थ्री, तो क्या अरे मारती रह जाएगी वो, तो बोले एक ही बार में सही से मार देना भैया, तो ये ठीक है, तो इसमें एक्टर क्या बोल रहा है मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, कारण कोई बताता, बोले डायरेक्टर ने बोला यार दूसरे मंजिल छलांग मार, अब ये एक सीन है अमिताभ बच्चन और कोई तो एक एक्टर है उसको बोल रहा था तीसरे माले की दूसरे माले छलांग मार चोट लग गई थी, उस टाइम में देखो को एक्टर काम नहीं करता था, ओरिजिनल आपको ही करना पड़ता था काम, आप इसके लिए फेमस अजय देवगन है, पूरे उसने शॉट खुद ही किए है, आपको भी पता है क्या अजय देवगन अपने शॉट खुद ही करता था, हाँ, और ये अक्षय कुमार भी पहले के, अभी नहीं करते ये बुड्ढे बड्ढे वो करता है, तो देखो ये क्या हो रहा है, एक्टर बोल दिया कि भाई मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, फिर क्या है बट कॉजेस अनदर वन टू डू इट, तो क्या है समझा इसका मतलब, अगली लाइन का, अगली लाइन का मतलब समझ, हाँ अभी ये पिक्चर देखो रोबोट पिक्चर, उसमें नहीं क्या जो फाइटिंग सीन है रेल का ट्रेन में मारता है ऐश्वर्या को बचाने के लिए है, तो वो रजनीकांत नहीं है जापान से आया था, वो जापानी से वो कर रहा है कुंफू कराटे पूरे, तो वो क्या बोल रहा है, इसने तो बोला कि मैं तो नहीं झापड़ खाऊंगा वो चप्पल, तो बोले नहीं क्या को एक्टर खाएगा, को एक्टर से करवाओ, तो वो क्या बोल रहा है अगर वो नहीं कर रहा तो इसका क्या कारण होगा, इसके इससे प्रॉब्लम क्या होगी, लेकिन दूसरे को तो सहन करना पड़ेगा ना वही चीज, तुम तो नहीं कर रहे हो, तो ये अभी ब्रैकेट में इन द फॉर्म ऑफ हेल्प, वो क्या कर रहा है को एक्टर, एक्टर की हेल्प करेगा,
इनडायरेक्टली हेल्प है ना, वो नहीं करा तो. एंड एनकरेजमेंट और परसुएशन, मतलब दोनों का मतलब. हाँ सही है, प्रोत्साहन देना, मोटिवेशन देना, धारणा या बिलीफ, ये पूरे मीनिंग है. अरे नहीं मतलब कि तू कर तू कर तू कर, अब समझा अब समझा. और दूसरा तरीका है ये ले पैसे कर है, ठीक है. तो एनकरेजमेंट और परसुएशन, द फर्स्ट पर्सन इज स्टिल मोरली रिस्पॉन्सिबल. हाँ क्या अगला सेंटेंस क्या है, खुद तो नहीं कर रहा है दूसरे से करवा रहा है, तो तभी भी एथिक्स के नजरिए से वही आदमी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो. सही. फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट टू द डिग्री दैट ही और शी फॉर्स द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है ना. तो उससे जो परिणाम आने वाला था, फोर्सा मतलब पता चल गया ना, फोर्सा कल ही हो गया था वर्ड सर तो सोए उधर. हाँ जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है ना, उसको पता है इससे रिजल्ट क्या होने वाला है, मस्त तो छपेगा यहाँ पे ठीक है ना. तो उसको पता है और वो इसके लिए मतलब ये उसको वो जानता है, ठीक है. तो फॉर इंस्टेंस इफ अ पॉलिटिशियन गिव्स अ हेड स्पीच, अब एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि एक पॉलिटिशियन, हिंदी में क्या होते हैं सर हेड स्पीच, नहीं नहीं एक अच्छा वर्ड है, एक बहुत अच्छा न्यूज में बहुत अच्छा वर्ड आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है. तो हेड स्पीच दे रहा है, भड़काने वाला, भड़काऊ भाषण, भड़काऊ भाषण. तो डैट इंसाइट्स कम्युनल वायलेंस, ठीक है ना. तो कम्युनल वायलेंस को बोलेंगे सांप्रदायिक हिंसा. तो ये सांप्रदायिक हिंसा को क्या दे रहा है, वो बढ़ावा दे रहा है इन सेंसिटिव एरिया, बहुत ही नाजुक या प्रभावित एरिया में, ठीक है ना. ही विल बी कंसिडर्ड गिल्टी ऑफ द कमीशन ऑफ अ रॉन्ग एक्ट, ठीक है ना. तो वो उसका गुनहगार रहेगा अगर वहां पे कुछ गलत होता है तो. सही है. इफ वन रिमेन साइलेंट, इफ वन रिमेन साइलेंट और डज नॉट टेक एनी एक्शन, मतलब या तो आपने वो कार्य किया ही नहीं, मतलब इजी किस तरह एक्शन कर रहा है, किसी की हेल्प करना, एक बहुत ही नाजुक सिचुएशन में किसी की हेल्प करना, यही बता रहा है वो सेंटेंस अभी सामने जाने दिया है. इफ अ पर्सन विटनेसेस अ रोड एक्सीडेंट, सही है, मैं बोलता ना रोड एक्सीडेंट हो रहा था, आप क्या करते हो पहले फुल स्पीड कर लेते हो और अरे बोले बोल लपड़े पड़े पड़े, ठीक है ना. तो एंड रिफ्रेन फ्रॉम हेल्पिंग द विक्टिम इन क्रिटिकल सिचुएशन, रिफ्रेन मतलब टालना, टाल देना या फिर दूर रहना, टाल देना उस सिचुएशन को या दूर रहना, ठीक है. तो रिफ्रेन फ्रॉम मतलब अवॉइड करना, आप हेल्प नहीं कर रहे हो विक्टिम की ना क्रिटिकल, वो उस नाजुक सिचुएशन में आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, नींद आ रही क्या सर, नहीं नहीं वैसे वाली नींद नहीं आ रही सर, सर सर वैसे वाली नींद आपने क्या ऐसे ऐसे होते थे, वैसे वाली नहीं है ये जाम्बी वाली है जो मैडम और इनको आती है सबसे ज्यादा जाम्बी मारती है मैडम और ये है ना, सबसे ज्यादा तो टॉप पे मैडम है. अच्छा ट्रांसफर नहीं, लेकिन मोहिन सर ने क्या एकदम आंखों से दिखता ही. He failed to perform the duty of a good Samaritan. अभी एक नई फिल्म आई है Samaritan. मैं YouTube में बहुत देखा Samaritan लिख के आता है, देखा क्या करो नहीं नहीं पिक्चर नहीं क्या सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है, आप देख लो पिक्चर है जो है सोसाइटी को सारे देखते हैं ना, कहा कि बॉलीवुड नहीं नहीं स्थानीय लेवल की साउथ ही करती है. तो मैं ओवरऑल बोला ना सर, एक फिल्म नहीं देखा मैं, यहाँ Samaritan आई है एक नई फिल्म आई आप डाल के देखना, ठीक है. वो डाउट होना दी, ही फेल्स टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ अ गुड Samaritan, मतलब Samaritan नहीं समझा ना आपको, तो Samaritan ही नहीं मालूम ना, है ना. Samaritan का मतलब इसलिए देखो मैंने वाला मूवी देखोगे तो पता चल जाता था ना आपको, Samaritan का मतलब है मुसीबत में मदद करने वाला, ठीक है ना. तो ही फेल्स टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ अ गुड Samaritan, है ना, मतलब उसकी जो ड्यूटी थी कर्तव्य था उसका कि भाई उसने उसकी मदद करना था मुसीबत में दूसरे की, देयरफॉर इज गिल्टी ऑफ एरर्स ऑफ ओमिशन, मतलब ओमिशन मतलब अनुपस्थिति,
मतलब वहां पे मतलब उस हेल्प के लिए उपस्थित ना होना, मतलब हेल्प के लिए वो आगे बढ़ के नहीं आना। ओमिशन का मतलब ये भी होता है कि यहाँ से क्या बोला था आपने, नेगलेक्ट, नेगलेक्ट भी एक मीनिंग है और हटाना भी मीनिंग है। और या फिर वो चीज़ वहां नहीं होनी चाहिए ऐसी भी है, ठीक है ना। तो क्या उसका गुनाह हो गया कि उसने वहां पे उपस्थित रहकर उसकी हेल्प नहीं की। एंड द बैड कॉन्सिक्वेंसेज, और उससे क्या हो गया, एक बैड परिणाम बाहर आया कि उस विक्टिम की डेथ हो गई। उससे परिणाम क्या आएगा, आप छोड़ के भाग जाओगे तो वो मर जाएगा ना, टाइम पे उसको वो नहीं मिला। दस वॉट एवर इंक्रीजेस, वॉट एवर इंक्रीजेस मतलब जो भी कुछ बढ़ता है और कम होता है या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, द लिबर्टी एंड नॉलेज। लिबर्टी मीन्स हमेशा सर आजादी जी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। लिबर्टी आप मतलब वही मीनिंग आता है, लेकिन हमेशा आजादी नहीं होता, ठीक है ना। आजादी के लिए तो एक कौन सा वर्ड है इंग्लिश में, फ्रीडम है ना सर, तो आजादी हर इसमें आजादी। लिबर्टी का आप है ना, है इसको लिबरल वर्ड से भी जोड़ सकते हैं, या फिर नहीं क्या, फ्रीडम जैसा ही है लेकिन उदारवाद है ना। एंड नॉलेज मतलब उदारवादी, मतलब लिबरल, लिबरल लिबरल को उदारवाद, लिबरल पता है क्या, लिबरल भी नहीं मतलब ओपन ओपन माइंडेड है, मुझे गाली दो कितनी भी चलेगा वैसा, ठीक है। तो नॉलेज तो देखो क्या कर रहा है, या तो आपका नॉलेज को बढ़ा रहा है या फिर आपके कम कर रहा है या फिर उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। दैट आर द एसेंशियल फॉर द मोरल एक्ट, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा काम करने के लिए। ये तीनों चीजें होती है ना, आप अच्छा काम करना चाहते हो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, तो फिर आप वो अच्छा काम कर पाओगे नहीं। उसमें वो अगर नॉलेज बढ़ जाता है तो शायद अच्छा काम हो सकता है, कम हो गया तो आप शायद थोड़ा कम अच्छा काम करोगे। एंड एक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज लेसन और डिस्ट्रॉय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्टर। इससे क्या होगा, नॉलेज कम या ज्यादा होने से या डिस्ट्रॉय होने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ज्यादा और वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। और फिर उससे क्या होगा, इन सब से क्या होगा, गुड या बैड रिजल्ट आएगा ना। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट, दोहरा प्रभाव का सिद्धांत, ठीक कहां पे है? अच्छा हिस्ट्री, हिस्ट्री है। सम एक्शंस हैव टू इफेक्ट, कुछ एक्शन क्या होते हैं, दो इफेक्ट हो सकते हैं ना किसी एक्शन के, और उसका रिजल्ट भी दो हो सकते हैं। जैसे वही ना, वो डियर मरेगा या फिर अनुस। नहीं, मैंने एक यूपी नहीं बिहार का बच्चा था, उसका यूपीएससी का पेपर देखा था, उसमें पूरे देश की नहीं क्या भाषा या उसके ऊपर कुछ था क्वेश्चन, उसने लिखा था कि मराठी का मानुस, सबका उसने लिखा था, बंगाली का दादा, गुजरात का भाई, भाई बोलते हैं ना मोटा भाई, सब सब लैंग्वेज का उसने। और उसने ये भी लिखा था कि उसको मतलब नॉलेज था, वो बिहारी जो था वो स्टूडेंट, उसने आई लिखा था, उसने अम्मा लिखा था साउथ का, सब सब बोले यार ये बहुत नॉलेज वाला आदमी है। मतलब देखो एक क्वेश्चन आया था मेंस का, उसमें पूरे मतलब जोड़ के लिखना था ऐसा, पूरे देश के ऐसी संस्कृति के बारे में। तो देखो यहाँ पे ये मानुष ऐसा है, तो मानुष लिख रहा है तो कितनी बड़ी बात है, उसको मानुष पता है। आपको सर पता था क्या, जब जब तक आप यहाँ नहीं आए थे, कि महाराष्ट्र में मानव को मानुष बोलते हैं, मानुष। हाँ तो मानुष उसने लिखा था वो बिहारी ने, और बंगाली को दादा, तो सबको जो जो लिखा था उसने। तो यहाँ दो इफेक्ट हो सकते हैं, गुड और बैड। हाउ डज समवन डिसाइड द मोरलिटी ऑफ सच एक्शन, तो हम कैसे इसको डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें नैतिकता किस स्तर की है, ठीक है ना। एथिक्स, एथिसिस्ट मतलब रीति शास्त्री, शास्त्री है ठीक। प्रोवाइड अ फ्यू जनरल प्रिंसिपल टू हेल्प टू डिसाइड द मोरलिटी ऑफ एक्ट ऑफ डबल इवेंट, तो ये कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांत देते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। तो कौन कौन से, द एक्शन दैट प्रोड्यूसेस द टू इफेक्ट मस्ट बी आइदर गुड और इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब कल ही बताया था, न्यूट्रल, समझे सर न्यूट्रल मतलब क्या होता है। हाँ मतलब जैसे मैंने कोई एक्शन किया और उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, मतलब ना इफेक्ट हो रहा है गलत ना सही हो रहा है, सिर्फ वो मैं सीख रहा हूँ समझ लो, तो उसको इनडिफरेंट, ठीक है ना। या तो अच्छा हो सकता है या फिर हाँ, तो या फिर न्यूट्रल हो सकता है। दैट इज नॉट इंट्रेंसिकली रॉन्ग,
देखो क्या बोल दिया इसने आखिरी में, पॉइंट सर आखिरी देखो क्या बोला कि या तो गुड, देखो बैड नहीं आया, या तो गुड है या फिर न्यूट्रल है, मतलब किसी को इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ये आंतरिक रूप से गलत नहीं है। अरे नॉट लिखा है ना गलत है, बोलते गलत बोले सामने बैठे भी है। द गुड इफेक्ट मस्ट बी इमीजिएट। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या दे रहा है, जो गुड इफेक्ट आना है ना किसी एक्शन से, वो जल्द से जल्द आता है, आकस्मिक, ठीक है सर। कैसे? डेट इज नॉट ऑब्टेन थ्रू एविलिबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो गलत काम था ही नहीं। अगर अच्छा काम दिख ही रहा है तो अच्छा काम फट से आएगा उसका रिजल्ट, ठीक है ना, रिजल्ट फट से आएगा। और ये मतलब इसका मतलब क्या है कि वो किसी बुरे प्रभाव से नहीं आ रहा है ना, अगर जल्दी आ रहा है, अच्छा रिजल्ट जल्दी आ रहा है, ठीक है। द इंटेंशन और पर्पस मस्ट बी गुड, ये तो सबसे बेसिक कंडीशन है कि आपका इरादा और उसके करने के पीछे कारण क्या होना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रोपोर्शनेटली गुड रीजन और कॉज फॉर परफॉर्मिंग द एक्शन इन द फर्स्ट प्लेस। क्या बोल दिया इसने? प्रोपोर्शनल आ गया, रेशियो प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसका बोल रहा है? गुड रीजन फॉर परफॉर्मिंग इन द, मतलब आपको जब वो कार्य कर रहे हो तो आपका पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए कि आप उसके पीछे जो कारण है, जो रीजन है, वो अच्छा ही होना चाहिए परफॉर्म करने से पहले, ठीक है ना। ये वो इसका प्रपोर्शन ज्यादा होना चाहिए, किसका? गुड रीजन और कॉज का, सही है, फर्स्ट प्लेस में, पहला ही काम। इन अदर वर्ड्स, शब्दों में, इफ डूइंग समथिंग मोरली गुड हैज अ मोरली बैड साइड इफेक्ट। क्या बोला इसने, समझा गया? नैतिक रूप से गलत साइड इफेक्ट आ रहा है। अच्छा तो काम कर रहा है मोरली, लेकिन अच्छे तरीके से भी गलत काम, गलत उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। मैं अच्छे, जैसे मैंने आपको दवाई दी, खाई की दवाई दी मरने की, अरे यार दवाई बोला, जहर थोड़ी ना बोला मैंने, कैसी बातें करते हैं यार ये। अरे यार दवाई का मतलब ही होता है किसी का जीवन दान बचाना या उसको अच्छा करना, मरने की दवाई होती है जहर होता है ना मैम, मरने का मतलब जहर होगा, इच्छा से इच्छा मृत्यु एथनेशिया। तो मैंने आपको दवाई दी खांसी की, नहीं सॉरी खांसी नहीं, मैंने आपको दवाई दी हाँ सर्दी की, किसने किसने सर्दी की दवाई खाई है आज तक, सबने खाई है, उसका साइड इफेक्ट बता दूँ। अगर आप अभी इतने साल के हो, 18 से ऊपर हो गए हो, पता नहीं आज तक 50 60 नहीं 100 के ऊपर तो खाई ली होगी ना गोलियाँ सर्दी की। अच्छा ठीक है, तो खाई तो है ना कभी ना कभी, सर्दी गोली कभी खाई नहीं, कभी नहीं सर्दी गोली कभी खाई नहीं। अच्छा आपने तो खाई है ना, आपने खाई है, तो उसका साइड इफेक्ट बता दो, जल्दी बता दो साइड इफेक्ट, बताओ साइड इफेक्ट, सबको मालूम है, और जब मैं बता दूंगा तो हाँ। क्या बात कर रहे हो यार, आजकल की जितनी सर्दी गोली उसमें ताप का, बदन दर्द सारी रहती है उसमें चीजें, एक ही तो बोल रहे उल्टा चालू हो जाएगा। बताओ ना साइड इफेक्ट, अरे जल्दी बोलो यार, अरे बोलो सर, आपने तो इतने दो तो बार बीमार पड़ रहे हो आप तो। देखो सर्दी अगर आपने रोकने की कोशिश की गोली की मदद से तो क्या होता है, आप तो बता दो, अगर आपने सर्दी को जबरन रोकने की कोशिश कर देंगे, बताओ ना साइड इफेक्ट है ना, आपको तो दूसरी बीमारी होगी, क्या है वो, क्या है वो, आपको मालूम है। देखो वो जो गोली नहीं खा रहा वो बता रहा है आंसर, खोखला होता है मैक्सिमम लोगों को होता है, पता नहीं आपको नहीं हुआ, सर्दी को आप रोकोगे ना गोली से तो खोखला होने लग जाता है, खोखले में बदल जाता है, और अगर आप सर्दी निकलने दोगे नॉर्मली तो खोखला नहीं होता। हाँ ठंडी के दिन है तब खांसी हो सकती है, लेकिन अगर आप ऐसे गोली से अगर रोकने की कोशिश करोगे ना इमरजेंसी में, खोखला होता है, वो बलगम यहाँ आ जाता है, नहीं मालूम था किसी को। यार मैं तो अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, लोगों को भी देख चुका हूँ, और तुम्हें पता नहीं कहाँ से आया, नहीं आपको उनको आंसर देना था, आप दे रहे हो आंसर जिसने गोली नहीं खाई, समझ गए इस सेंटेंस मतलब, समझ गए इस सेंटेंस मतलब, समझ गए ना। जाने तो जाने, इट इज एथिकली परमिटेड टू बी डन। क्या बोल रहा है? इट इज एथिकली परमिटेड टू डन प्रोवाइडेड दैट द बैड साइड इफेक्ट वाज नॉट इंटेंडेड। मतलब अच्छा इंटेंडेड का मतलब नहीं, एक्सपेक्टेड है, क्या है, एक्सपेक्ट नहीं था ना, बैड साइड इफेक्ट क्या नहीं थे, बैड साइड इफेक्ट मुझे एक्सपेक्ट नहीं थे, नॉट एक्सपेक्टेड,
नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। मतलब हमें नैतिक रूप से तो वो काम करना ही है, लेकिन उसके बैड साइड इफेक्ट हमारे हमको एक्सपेक्टेड नहीं थे, है ना। दिस इज ट्रू इवन इफ यू फोर्स आर डेट द बैड इफेक्ट वुड प्रॉब्ली हैपन। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है कि ये तब भी सही है वो चीज करना, वो चीज करना तब भी सही है क्योंकि हमने अपनी दूर दृष्टि से ये देख लिया था कि इसका साइड इफेक्ट या गलत इफेक्ट होने वाला है, तो भी सही है, तो भी सही है। अरे एक झूठ बोलने से अगर किसी की जिंदगी बच रही है तो एक एग्जांपल समझ गया ना, ये भी जम रहा है। और सच बोलने से क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे बच्चे की तो भाई हंगामा होगा कि सर, हंगामा होगा कि नहीं उसके अंदर होता है। फॉर इंस्टेंस इफ अ डॉक्टर यूज ड्रग्स टू अ पेशेंट, क्या बोल रहा है डॉक्टर, क्या दे रहा है पेशेंट को, जहर नहीं दे रहा, हाँ आप बोलिए ड्रग्स, ड्रग्स दे रहा है ऐसा ये बोलने वाले होंगे अभी। अरे ड्रग्स भी आज मेडिसिन को ही बोलते हैं, अच्छा पता है क्या ओके ना, और कौन सा गांजा गंजेड़ी ठीक है ना। ड्रग्स टू द पेशेंट टू रिलीव डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स, क्या बोल रहा है, डिस्ट्रेसिंग मतलब पेन या एंजाइटी है ना, उसको कम करने के लिए। वैसे सिम्टम्स को, सिम्टम्स क्या बोलते थे जिंदगी में, हाँ लक्षण, हाँ लक्षण को कम करने के लिए उसने, उससे छुटकारा पाने के लिए उसको दिया। डिस्ट्रेशन का मतलब पेन या फिर एंजाइटी। हाँ इवन दो ही नोज डूइंग दिस विल वीकेन द पेशेंट इम्यूनिटी, पता चला तुमको कुछ इस सेंटेंस है, आप कोई भी दवाई खाते हो ना, अरे आप कोई दवाई देते हैं ना आपको, तो आपका आपको वो दवाई नहीं क्या उस बीमारी में, पूरा शरीर उस बीमारी को ठीक करने और वो दवाई जो दी है उसमें लग जाता है, लेकिन इन अदर इनडायरेक्टली क्या होता है कि जो बाकी जो शरीर की इम्यूनिटी रहती है वो कमजोर हो जाती है। देखो लिखा है क्या बोल रहा है, ही नोज डूइंग दिस विल वीकन, वो दवाई देने से पूरी उसकी शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, उससे और नई बीमारी आएंगी। एड्स का देख लो आप, एड्स का वायरस पहले ही अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे अटैक कर देता है, उस वो पेशेंट एड्स करेंगे, एड्स से नहीं मरता है कभी, टीबी से मरेगा, कोलेरा से मरेगा, उसको सब डिजीज पकड़ लेती है उसको, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई। लेकिन कौन सी दवाई है उसको खाने से वो 70 साल तक जी सकता है, मैंने बताया 70-80 तक जी सकता है, मतलब एड्स खत्म ही हो गई ना सर। आप नियमित बीमारी दवाई लो तो आपकी बीमारी, वो क्या नाम है दवाई का, दवाई का नाम क्या था, अरे बहुत तो ऐड आती थी, ए आर टी ना, ए आर टी बोल रहे हो, के आर टी बोल रहे हो, नया नाम आ गया होगा ठीक। दस में देखो अगला रिजल्ट क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस है, दस में शॉर्टन, जो भी दवाई खा रहा है यहाँ पे समझ लो अपनी लाइफ आप कम कर रहे हो, ठीक है। अरे अच्छा है ना सर, बुड्ढे बाड्ढे हो के ऐसे ऐसे जी के ऐसे ऐसे कोई आपको उधर टॉयलेट भी तुमको लेके जा रहा है, उससे अच्छा तो जल्दी मर जाओ यार 60-65 में मस्त मजा वजा करके, और अच्छी मौत मर रहे हैं सब लोग, मैं बता रहा हूँ सब लोग, नहीं कि 65 तक मरते हैं हार्ट अटैक से ज़्यादातर, मस्त खाते हैं शक्कर सुक्कर, मस्त डायबिटीज और बीपी के पेशेंट बन जाते हैं और मस्त मरते हैं, क्योंकि नहीं क्या जो 80 तक जीते ना बहुत बेकार जीवन रहता है, और नहीं कि मस्त आजकल मैं देख रहा हूँ 60-65 में मर जा रहे हैं, मस्त 55 में बहुत आराम से किसी को तकलीफ, डिपेंडेंट हो जाते हैं ना सर। और फैमिली वाले क्या चाहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, फैमिली वाले चाह रहे थे कि जल्दी मर जाए, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप कितना ही आपका कोई हो ये रियलिटी है इस जीवन की, ठीक है। अरे बता रहा हूँ लड़का नहीं बाप, हाँ 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 इज मोरली एब्सॉल्ड इज मोरली एब्सॉल्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, भले उसकी शॉर्ट एंड लाइफ होगी, उसकी इम्यूनिटी कम होगी, लेकिन मोरली वो सही कर रहा है, ठीक है ना, मोरली सही कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उससे भले उसके बैड कॉन्सिक्वेंस, लेकिन उसकी जान तो बच रही ना, उसकी बीमारी तो ठीक हो रही ना, उतना पेन तो नहीं सहना पड़ रहा है ना उसको, है सही है, उससे बैड कॉन्सिक्वेंस आ रहे हैं, गलत परिणाम आ रहा है, लेकिन उस टाइम के लिए तो उसका उसको दर्द से मैं छुटकारा दे रहा हूँ ना। होता है ना ऐसा, क्या होता है युद्ध में, नहीं क्या होता है कि नहीं क्या वो बचने की कोई चांसेस नहीं है, पूरा कटपट गया है मरने वाला है, तो
और समझ लो कि दुश्मन वाले आ गए और आपको जाना है वहां से फट से, लेके जा नहीं सकते आप, तो वो खुद ही बोलते हैं मुझे मार दो, क्योंकि वैसे मेरा बचूंगा भी नहीं और उल्टा तड़प के और मेरे से उगलवा लेंगे, होता है। इज मोरली एब्जॉल्व, मतलब उससे बच जाएगा, उस चीज से क्या हो जाएगा, वो भले ही बैड कॉन्सिक्वेंस आने, लेकिन उससे वो बच जाएगा, एब्जॉल्व कर लेगा ना उसको, खा जाएगा वो उसको कच्चा बदाम के साथ, ठीक है। दिस इज बिकॉज द डॉक्टर इज नॉट एमिंग, डॉक्टर का एम क्या है, एम एम बचाना है, ना कि डायरेक्टली एट किलिंग द पेशेंट, पेशेंट को मारना नहीं है, लेकिन उसको क्या दे रहा है, वो स्लो पॉइजन दे रहा है। द बैड रिजल्ट ऑफ द पेशेंट डेड, बैड रिजल्ट क्या हो सकता है, उससे मर सकता है, लेकिन कब मरेगा, बहुत साल बाद। इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द गुड रिजल्ट ऑफ रिड्यूसिंग द पेशेंट पेन, वही ये बात, दूसरी बात नहीं है, पेशेंट का पेन कम कर किया करने के उसने दवाई दी, उसको उससे साइड इफेक्ट हुआ, साइड इफेक्ट क्या होगा कि उसकी मौत होगी, लेकिन कई साल बाद उसकी लाइफ कम हो गया, सही है। देयर आर सेवरल अदर एक्शंस, और भी एक्शंस है दैट पोटेंशियली हैव डबल इफेक्ट, ठीक है ना, उसके दोहरे प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि मिलिट्री, अब देखो मिलिट्री आ गई, मिलिट्री फाइटर पायलट टैक्टिकल बॉम्बर्स, फाइटर पायलट से पता है ना, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, फाइटर पायलट का कुछ पूछा था ऐसा वाला, क्या था क्या था, वो फाइटर पायलट में नहीं है अलाउ मैम, पहन ही नहीं सकते, नहीं है, वो एरोप्लेन में भी उतारना पड़ता है, बताओ एरोप्लेन चलाते हैं, और उसका रीजन क्या दिया था मैंने, हवा नहीं आती, अरे अरे मैं एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ, फाइटर की भी नहीं, एरोप्लेन में जहां पे कुछ नहीं पहनना, सिर्फ वो एक ये तो पहनना पड़ता है, उसमें क्यों नहीं पहन सकते, पेरिफेरल विजन चला जाता है, समझे सर, अगर मैंने बुर्का पहना और यहाँ यहाँ तक है ना, अच्छे देखना बुर्का, देखो मैडम का है सर, तो ऐसा है तो मैं इधर का नहीं देख पाऊंगा, यहाँ प्लेन है तो यहाँ प्लेन उड़ रहा है वो नहीं पा चल रहा, पेरिफेरल विजन को कम कर देगा। नहीं, देखो आप अगर बिल्कुल सीधे देख रहे हो ना, आपको उधर का नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बीच में आ गया, ठीक है, तो फाइटर पायलट में तो बिल्कुल नहीं जानता, मैंने बोला भी था, एक रीजन दिया था कि एक पंजाबी था तो उसको छुट्टी काटनी पड़ी थी, काटनी पड़ी थी सर, छुट्टी था काटना पड़ा था, वो हेलमेट ही नहीं आ रहा था, किसमें, फाइटर पायलट में, चुट्टी बोलते हैं उसको, चुट्टी बोलते हैं ना शायद, तो फाइटर पायलट में उसमें तो पूरा हेलमेट नहीं का पूरा फिक्स रहता है सर, तो वो कहाँ जमेगा। और दूसरा रीजन क्या दिया था, एक अच्छा रीजन दिया था, अगर वहां पे कुछ ऐसी आग लग गई, चिंगारी हो गई, तो उस हिजाब के कारण वो तुम्हारा फेस पूरा जल जाएगा फट से, तो जल्दी आग पकड़ लेगा ना, एक कपड़े में आग पकड़ दो, ऐसा करोगे ना, और इधर पकड़ो, और ये क्या इसको मारोगे मुंह पे मुंह पे मार ही नहीं पाओगे, समझेगा ही नहीं, पूरा गया काम से सब, ठीक है। अरे अरे वीडियो रोक रहा हूँ, वीडियो रोक रहा हूँ, तो देखो टैक्टिकल बॉम्बर्स, फाइटर पायलट समझ गया, टैक्टिकल बॉम्बर्स कौन है, टैक्टिकल बॉम्बर्स डिफ्यूज करते हैं, यहाँ कहाँ लिखा है डिफ्यूज, टैक्टिकल बॉम्बर्स बर्मुडा, क्या, नहीं टैक्टिकल बॉम्बर्स नहीं, टैक्टिकल बॉम्बर्स, अरे सर वो बॉम्बर नहीं क्या, ये अमेरिका घूम रहा था बॉम्बर, उसका अमेरिका ने बॉम्बर घुमा रहा था वहां पे, ये ताइवान के पास में, आप ही तो बता रहे थे, तो बॉम्बर क्या होता है, बहुत कम टाइम में बहुत सारे बॉम्ब फेंक देता है, उसको बॉम्बर बोलते हैं, फटाफट बॉम्ब फेंकते हैं वो, नहीं दाना दाने से छोड़ दे, दो 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 बहुत सारे बॉम्ब निकलते हैं उसमें से, ठीक है, तो ये फाइटर पायलट अलग है, बॉम्बर अलग है, आप डाल लेना, ठीक है, तो एनकाउंटर सिचुएशन, इनके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, अरे मोहित सर मोबाइल यूज कर रहे, क्या हरियाणा का, तो मैडम को करना, लेकिन आंसर में बता देना, मैडम को भी बताना है, ठीक है, तो, अरे नहीं तुमको ही बताना है, हाँ तो ये देखो ये सिचुएशन उनको आ जाती है उनके सामने डबल इफेक्ट की, उसका प्रभाव डबल इफेक्ट का आ जाता है इन द टाइम ऑफ वॉर, ये डबल इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, दोहरा प्रभाव का, ये सिचुएशन किसके सामने आती है, फाइटर पायलट और टैक्टिकल बॉम्बर्स के सामने, कैसे, द टैक्टिकल बॉम्बर एम्स एट द मिलिट्री टारगेट, सही है ना, किसी दूसरे दुश्मन देश के मिलिट्री टारगेट, मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय करेगा, है ना, सिविलियंस पे तो नहीं करेगा ना, तो वाइल फॉर सीइंग दैट द बॉम्बिंग सच टारगेट विल ऑल्सो कॉज सिविलियन डेथ, अब समझ लो युद्ध की सिचुएशन में जैसे इसने किया था, इसराइल और पैलेस्टीन का वॉर में
पैलेस्टीन ने क्या किया था, बच्चों के स्कूल में मिलिट्री बेस बना लिया। अब इसराइल कंफ्यूज कि मैं मारू कि नहीं मारू, फंसा दिया ना उसको। उसने भी बराबर सिचुएशन दिया कि जहां पे स्कूल वाले बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे वो, तो उसने फिर मार दिया सर, तो पूरा इंटरनेशनल में आके स्कूल की ओर मारा। तो उसने फिर पूरे प्रूफ बताया कि यहाँ पे इन्हें मिलिट्री बेस बनाया था, जान बच्चे थे नहीं थे वो नहीं मालूम, ठीक है। तो ये देखो, ये सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सिविलियन भी अपना प्राइम टारगेट क्या है, मिलिट्री बेस खत्म करना। मिलिट्री जब तक खत्म नहीं होगी बेस, तब तक हम उस पर अपनी जीत कैसे बोलेंगे, है ना। उसको आपने न्यूट्रलाइज नहीं किया तब तक, तो सिविलियन भी मरने वाले हैं। तो ये सिचुएशन उनके ऊपर आ जाती है कि आप वो देखेगा इधर मारू या इधर मारू थोड़ा सा, ताकि कम लोग मरे, है ना, यही करेगा ना। व्हेन हिज बॉम्ब्स किल सिविलियन, अब जब उसके बॉम्ब सिविलियंस को मारने वाले हैं, दिस इज फोरसीन, मतलब उसको पता चल गया है मरेंगे। बट अनइंटेंडेड, अनइंटेंडेड मतलब अनइंटेंडेड, इंटेंडेड आया था ना, इंटेंडेड, इंटेंडेड का मीनिंग क्या था सर, इंटेंडेड का भी मीनिंग आया था ना, तो अनइंटेंडेड अनएक्सपेक्टेड, है ना, अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस मतलब पता नहीं कि क्या होगा, ऑफ हिज एक्शन हैंस परमिसिबल, मतलब हो सकता है मरे या ना मरे, लेकिन उसे वो मारना ही पड़ेगा, उसे वो मरे या ना मरे उनसे कोई मतलब, मिलिट्री बेस को खत्म करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो, तो भी परमिसिबल है, मारना ही पड़ेगा। और ये कौन बोल रहा है परमिसिबल, ये परमिसिबल कौन, परमिशन कौन दे रहा है, हा? नहीं, एथिक्स दे रहा है, आप एथिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हो यार, आप कुछ सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे, एथिक्स बोल रहा है कि परमिसिबल है,